हेलो वन एंड ऑल, मैं हूँ विजय भार्गव और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिर से एक आर्ट टॉक। और आज मैं आया हूँ गुजरात सूरत शहर में, और आज जो हम आर्ट टॉक करने वाले हैं वो है हीरालाल गोहिल सर के साथ। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। मेरे को सच्ची में इतना अच्छा सा लग रहा है गोवा के बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे। थैंक यू। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सर किस तरीके से आपकी आर्ट लाइन के अंदर शुरुआत हुई। देखिए, मैं बचपन से जब स्कूल में पढ़ना था तभी से मुझे आर्ट में बहुत शौक था। अच्छा। और अच्छे अच्छे चित्र बनाता था और सब मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा अंदर से उत्साहित होकर काम अच्छा करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे माहिरता हो गई। अरे वाह, क्या बात है। तो सर, ये आपने कोई कोर्स किया इसका या कैसे किया है? नहीं, मैं किसी से बैठ के नहीं सीखा। ओके। किसी के पास बैठ के नहीं सीखा हूँ, वैसे ही गॉड गिफ्ट है। मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि सर ने कहीं से सीखा ही नहीं है और उसके बावजूद आप यहाँ पे पेंटिंग्स देख सकते हैं। एंड में आपको वीडियोस के मैं और भी पेंटिंग सर की दिखाऊंगा विद इन 10 मिनट्स। मेरे को अभी भी याद है गोवा बीच आपने बनाया था, विद इन 10 मिनट्स पूरा का पूरा बीच का सीन बना दिया और इतना अच्छा कि आपको क्या ही बताऊं। उसकी भी फोटो अगर मेरे को मिल पाएगी सर तो प्लीज आप दिखा दीजिएगा, तो मैं जिससे अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं। ओके सर, थोड़ा सा आपको इससे आगे लेके चलते हैं। अच्छा, कौन सी टेक्निक में सर आपको ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है? देखिए, मुझे कैनवास पेंटिंग में ज़्यादा बनाता हूँ। अच्छा। और उसमें ऑयल कलर में ज़्यादा बनाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। ऑयल कलर के साथ साथ एक्रेलिक है जी, फिर ऑयल पेस्टल कलर है, ओके, वाटर कलर है जी जी, वो सब का इस्तेमाल करता हूँ। फिर पेपर पे पेंसिल कलर से बनाता हूँ जी 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 जी। तो मतलब लगभग सारे ही मीडियम। हाँ। तो सर मेरे को थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को भी। हाँ। कि जब आप ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो आप किस चीज़ में ज़्यादा वर्क करते हैं? जैसे पोर्ट्रेट्स होते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती हैं, या आपके पास एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मैं ज़्यादातर तो रियलिस्टिक में काम ज़्यादा करता हूँ जी, और वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई रियलिस्टिक जो करता है वो सबसे हार्ड चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें डीपनेस में जाना, उसको रियलिटी में लाना जी, और समझिए कि आप जो है एक ही विजित जी है जी, जी। पूरे वर्ल्ड में अगर आपकी पेंटिंग बनाओ जी तो समझो कि ये विजित जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज बहुत बिल्कुल ये डिफिकल्ट है, तो वो मैं करता हूँ। ओके। तो सर को मतलब रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज है, शौक है, जैसे कि आप पीछे देख भी रहे होंगे यहाँ पे गरबा करते हुए जो है लोग पीछे डांडिया खेल रहे हैं, और साथ में एक फॉरेस्ट का सीन यहाँ पे सर ने एक बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, आप शायद देख ही सकते हैं। चलिए सर, तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। तो सर, इसके अंदर आपके अभी आपके पास अभी तक क्या अवार्ड्स हैं, क्या क्या आपका कैसे हो रहा, सफर कैसे रहा, ये स्टार्ट कैसे हुआ, मेरा फर्स्ट अवार्ड आपको कैसे मिला पेंटिंग्स पे, तो थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, मेरा सफर तो ऐसे, मैं पहले तो बहुत गरीबी में से आया हूँ, बहुत जी, ही गरीब घर से आया हूँ जी जी जी। बचपन में मैं मजदूरी भी किया है, बहुत अच्छा, बहुत संघर्ष किया है, और उसके बाद जब ये काम करने लगा और मुझे सब लोग प्रोत्साहित करने लगे जी, फिर कोई संस्थाओं के साथ में कुछ कंपटीशन होने लगे, धीरे धीरे उसमें हिस्सा लेने लगा, तो उसमें से मुझे प्राइज मिलते रहे जी, तो मुझे और भी काम करने को दिलचस्पी होने लगी, ज़्यादा काम करने लगा जी। और ख़ास करके मैं 2019 में सबसे पहले गोवा गया जी 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 जी, और गोवा में वहाँ की कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसमें मुझे गोल्ड अवॉर्ड मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्रोत्साहित हुआ जी, और वहीं से मेरा ज़्यादा अच्छा सफ़र शुरू हो गया। बहुत ही कहे तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। तो 2 साल के अंदर मैंने अभी तक, आज 2021 चल रहा है, फरवरी है जी, मार्च महीना है। हाँ जी, हाँ जी, तो मार्च महीने तक अभी तक मैंने 75 अवार्ड लिए, 75 अवार्ड जीते हैं सर ने। हाँ। नेशनल और इंटरनेशनल वो भी,
आप सोच के देखिए, सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत से। इसी चीज को कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन हार नहीं माननी। सर सीरियसली हेड्स ऑफ सर, सीरियसली हेड्स ऑफ, थैंक यू। ओके सर, तो थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक तो ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से ही यहीं पे रहते हैं, सूरत में ही? मैं शुरू में, मेरा जन्म भरूच में हुआ। अच्छा, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। ओके, और वो भी बड़ा सिटी है जी। वहाँ पे हम पले बड़े, पढ़ाई लिखाई सब वहाँ, शादी विधि वहाँ पर हुआ जी। फिर रोजी रोटी के लिए सूरत आ गए। बिल्कुल, अभी सूरत आने के बाद हम यही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो सर इसके अलावा आप जैसे पोर्ट्रेट्स वगैरह करते हैं और बाकी करते हैं, तो क्या आप सिखाते भी हैं बच्चों को? हाँ सिखाते। अच्छा, और तो जो कुछ कोर्सेज आप जो ऑफर करते हैं वो हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। हाँ, जो बच्चे, कई छोटे बच्चे भी आते हैं जी, कोई बड़े भी आते हैं जी, और कई तो बुजुर्ग भी आते हैं। अरे वाह, अरे भाई हमको भी सिखाओ, हमें भी बहुत दिलचस्पी है, हमें भी करना है जी। लेकिन उसके लिए थोड़ा इनका जो जीवन है निकल जाता है, तो फिर बाद में वो थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन फिर नहीं करते, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, तो ज़्यादातर जो युवा बच्चे होते हैं और थोड़ा जो उसमें माहिर होते हैं, भाई 50% उसको आता है जी, उसको अप करके मैं आर्टिस्ट बनाने की हैसियत रखता हूँ। बहुत ही बढ़िया, अभी तक मैंने 6 आर्टिस्ट बनाए। अरे वाह, और वो भी इतने अच्छा काम कर रहे हैं वो, बिल्कुल, कि बस देखते रह जाओ। और मेरा एक ही मंत्र है, आप लोग मेरे काम को मत देखो जी, आप जो बनाते हो वो मुझसे बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल, हमसे बढ़िया करो। बिल्कुल, मेरे को भूल जाओ, मेरे से अच्छा करो जी, तभी आप अच्छा कर पाओगे। और यही हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया सर, और सीरियसली आप लोगों को अभी कुछ ही देर में आप सर की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग फिर से इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे मुलाकात करते रहें। थैंक यू सो मच सर। विजित भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर, थैंक यू, हमारा ये इंटरव्यू लिया आपने। अरे सर, और हमको सबके सामने प्रेजेंट करोगे जी, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अरे सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। तो यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं अपना आर्ट टॉक जो की था हीरा लाल जी के साथ, और मैं यही चाहूँगा, आशा करूँगा कि आप लोगों से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक नए आर्ट टॉक के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।